आज भारी सुरक्षा के बीच रोहतक की अदालत में पेश किया गया। रामपाल की पेशी के दौरान अदालत परिसर में भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पेशी के दौरान रामपाल के सैकड़ों समर्थक भी कोर्ट के आसपास पहुंच गए। समर्थकों को रोकने के लिए पुलिस ने अदालत को चारों तरफ से सील कर दिया। याद रहे कि आज कोर्ट में आरोपियों की गवाही होनी थी, लेकिन एक आरोपी की पेशी न होने की वजह से गवाही नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई कल होगी। एक हमारी 216 सेक्शन की दरखास्त है, जिसमें हम कहते हैं अनलॉफुल असेंबली तोड़ो, क्योंकि हम अपने घर में थे। कोई आदमी अपने घर में गैर कानूनी कट नहीं कर सकता। वो एप्लीकेशन आज डिसाइड नहीं हुई और गवाही भी नहीं हो पाई, क्योंकि एक मुलजम नहीं था, उसकी हाजिरी माफी की दरखास्त थी बीमारी की वजह से। उसके लिए जज साहब ने कल की तारीख दी है।